अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेरे पास जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है उसमें एरर है। एरर मैंने आपको बताया भी था कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 15, ये गलत है। आप अपनी बुक में चेक कर लेना, ऐसे तो एनसीईआरटी वाले अपडेट करते ही नहीं। हो सकता आपकी बुक में भी यही लिखा हो, तो मैं कह नहीं सकता। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या कहा कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है सारे वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वो सभी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। शो दैट द वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्या कहा आपको, क्या शो करना है आपको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये जो वेक्टर है ये जितना इक्वल इंक्लाइंड का मतलब एंगल, जितना एंगल ये लेट दिस बी एक्स वेक्टर, लेट दिस बी एक्स वेक्टर, तो ये जो एक्स वेक्टर है जितना एंगल ये वेक्टर ए के साथ बनाएगा उतना ही एक्टर ये वेक्टर बी के साथ बनाएगा और उतना ही एंगल ये वेक्टर सी के साथ बनाएगा। ये बात समझ में आई आपको कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? ठीक है, तो आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इट मीन्स वैक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वैक्टर बी एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड लेट इट बी इक्वल टू एम, तो मैंने कॉमन वैल्यू के इक्वल कर दिया। ये समझ में आया कि सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो एम के इक्वल है। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी तो इनका भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी परपेंडिकुलर है तो इनका भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो के इक्वल होगा। यहाँ तक जीरो, नॉट जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्यों, क्योंकि स्केलर है। वेक्टर होता तो मैं जीरो प्रोडक्ट जीरो वेक्टर कहता। ठीक है, एंड देन लेट लेट दिस वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स बी इक्वल टू एक्स वेक्टर, लेट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एक्स वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा। फिर एक्स वेक्टर और वेक्टर बी के बीच में हम एंगल फाइंड करेंगे और एक्स वेक्टर और वेक्टर सी के बीच में हम एंगल फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों केसेस में इक्वल आता है इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग नाउ, एंगल बिटवीन वेक्टर एक्स एंड वेक्टर ए लेट इट बी कॉस थीटा वन, कि वेक्टर एक्स जो है वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है लेट दैट एंगल बी थीटा वन, वेक्टर एक्स वेक्टर बी के साथ जो एंगल बना रहा है लेट दैट एंगल बी थीटा टू, वेक्टर एक्स वेक्टर सी के साथ जो एंगल बना रहा है लेट दैट बी थीटा थ्री। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हैं आपको? ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमें एंगल फाइंड करना हो वो आप कॉस थीटा से भी निकाल सकते हो और साइन थीटा से भी, वैल्यू आपकी थीटा की आएगी। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ऑप्शन है गो विथ कॉस थीटा ये रिलेटिवली इजियर होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा वन एक्स वैक्टर, वैसे देखो होता क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो जहां आपका ए है, जहां आपका ए है इसको आप रिप्लेस कर दो एक्स वेक्टर, तो जो आपका बी वेक्टर है ये आपका हो गया ए वेक्टर। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वन इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली जब एंगल बिटवीन वेक्टर एक्स एंड वेक्टर बी, वेक्टर एक्स एंड वेक्टर बी, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे सिंपल है कि जहां वेक्टर ए है इसकी जगह वेक्टर एक्स कर, दैट्स इट, दूसरा वेक्टर तो आपका बी है। तो कॉस थीटा टू क्या होगा, एक्स वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
then angle between x vector and c vector, that is cos theta 3. अब यहां क्या करना है, जहां b vector है वहां पे c vector हो जाएगा और a vector की जगह क्या आ जाएगा, x vector. cos theta 3 is equal to x vector dot c vector upon magnitude of x vector magnitude of c vector. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब x वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a, अगेन वैल्यू ऑफ x वेक्टर, वैल्यू ऑफ x वेक्टर. तो सभी एंगल्स पे हमने x वेक्टर की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी. नाउ व्हाट वी विल हैव, वेक्टर a डॉट वेक्टर a दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर. और देखो हमने ये स्टडी किया था डॉट प्रोडक्ट में कि डिफरेंट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज बीच में 90 डिग्री होता है और cos 90 क्या होता है, जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो. तो इस केस में a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर. हियर b वेक्टर डॉट b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर. हियर c वेक्टर डॉट c वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर स्क्वायर. तो जब आप सॉल्व करोगे a वेक्टर और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, b वेक्टर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c वेक्टर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो सभी वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कॉमन वैल्यू के इक्वल लिया था, एंड दैट वैल्यू इज m. तो इन प्लेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आई कैन पुट m, अगेन m एंड अगेन m. सो कैन आई से दैट cos थीटा 1 is equal to cos theta 2 is equal to cos theta 3. हो सकता हूं ना मैं, सभी की वैल्यू सेम आ रही है, एंड दैट मींस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3. क्लियर हो गया? ठीक है, तो वी कैन से दैट हेंस x वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, x वेक्टर मींस सम ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c. Hence, x vector आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, that is within bracket vector a plus vector b plus vector c is equally inclined to vector a comma vector b and vector c. Is it clear? ठीक है, let's move to the next question, that is question number 15. So, question number 15 is prove that vector a plus vector b dot vector a plus vector b is equal to magnitude of vector a square magnitude of vector b square if and only if vector a vector b are perpendicular given vector a is not equal to zero vector and vector b is not equal to zero vector. क्या कहा जा रहा है आपको, आपको प्रूव करना है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर. और इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर. ये तभी पॉसिबल है जब वेक्टर और वेक्टर बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर. And neither vector A nor vector B both are not equal to zero. ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, चलो करते हैं शुरू. फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो क्या होगा ये देखो भाई, वेक्टर A डॉट वेक्टर A सेम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस, अब वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर. अब आपको पता है ए डॉट बी बी डॉट, बी डॉट ए को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी ओथर से. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. अब कुछ देखो जो आपको प्रूव करना है, इन दैट प्रूव वी नीड ओनली दीज टू वैल्यूज, एम आई राइट?
अब अगर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये तब भी पॉसिबल है, मीन्स ये वैल्यू तब भी आ सकती है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर। उससे क्या होगा, देखो आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, राइट। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो का इक्वल होने का मतलब ये जो वैल्यू है आपकी इट विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो, एम आई राइट। अब ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपका जीरो हो जाए, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपका जीरो हो जाए, या कॉस थीटा जीरो हो जाए। ये जीरो नहीं हो सकता बिकॉज क्वेश्चन में आपको दिया गया है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, अगेन इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट कांट बी इक्वल टू जीरो। जो ऑप्शन बचता है दैट इज कि कॉस थीटा जीरो हो सकता है, और जीरो कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की। तो ये तब भी पॉसिबल है जब थीटा आपका क्या हो जाए, पाई बाय टू। तो देखो हो गया प्रूफ, जब थीटा पाई बाय टू होगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो डॉट प्रोडक्ट है किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर जीरो। पर ये कब आया, जब आपका थीटा 90 के इक्वल, दैट इज व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर, कैसे लिखोगे, दस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन। आपको कहा जा रहा है अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो के इक्वल होगा, जीरो से बड़ा होगा। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। अब देखो कहने से दैट ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा ये कौन डिसाइड करेगा, एक करेगा कॉस थीटा। कोस थीटा और हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो जीरो से पाई तक जाती है, तो जीरो से 90 के बीच में अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पाई बाय टू टू पाई होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको चाहिए जीरो से, जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा, तो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा वो इस क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब जो थीटा है हमारा, थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, या तो वो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा हो या 90 के इक्वल हो 90 से छोटा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समझ में आ रहा है कि थीटा या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के इक्वल हो और लेस देन इक्वल टू पाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है तो कहने से दैट जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी 1 के इक्वल होगा बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम और इनके बीच में एंगल थीटा है, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर होगा, कब होगा ये आपसे पूछा गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर कब होगा ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 के इक्वल। अब आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये भी एक यूनिट वेक्टर, अब ये अगर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए, यस और नो, अगर ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया, फिर हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बिकॉज दो वेक्टर का सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, डॉट जरूर लगाना है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मींस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड तो वन है, तो ए डॉट बी बी डॉट ए इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी दैट इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस वन इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन दिस वन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड इट विल बी माइनस वन, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू। यहां तक कोई डाउट, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा एंड इट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो वन है, तो बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कॉस को कैसे लिख सकते हैं, कॉस फाइव माइनस थीटा, एम आई राइट, वन बाय टू का मतलब क्या हो गया सिक्सटी, कॉस सिक्सटी। अभी माइनस वन बाय टू है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना माइनस, बेसिकली ये माइनस कॉस फाइव बाय थ्री, इस कैन बी रिटन एज कॉस फाइव माइनस फाइव बाय थ्री, यस और नो। कॉस 180, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये होगी माइनस कॉस थीटा, तो आपने माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा, कॉस फाइव माइनस थीटा, तो पाई माइनस फाइव बाय थ्री करोगे तो ये होगा टू पाई बाय थ्री, तो थीटा की वैल्यू जब टू पाई बाय थ्री होगी तब वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी जो होगा वो एक यूनिट वैक्टर होगा। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, ठीक है। जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन इज आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप की क्या वैल्यू होगी ये आपसे पूछेगा, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली मैंने क्या बताया था आपको, आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे कैप जो होता है वो के कैप के इक्वल होता है, ठीक है, और जे क्रॉस के कैप जो होता है वो इक्वल होता है के इक्वल, और के कैप क्रॉस आई कैप ये इक्वल होता है जे कैप, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा ऑर्डर तो हमने पढ़ा था। अब देखो जे कैप क्रॉस के कैप, जे और के ये ब्लू वाला तो ये किसके इक्वल होगा, आई कैप, आई कैप जगह आ गया आई कैप, फिर आई कैप क्रॉस के कैप, अब ऑर्डर होता है के कैप क्रॉस आई कैप, अब अपोजिट जा रहे हो वैल्यू तो जे कैप किसमें आएगी माइनस में, ये क्लियर हो गया। फिर आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के कैप, तो देखो आई कैप डॉट ये हो गया आई कैप, इसकी जगह क्या आ गया आई कैप, इसकी जगह क्या आ गया माइनस जे कैप, तो ये हो गया माइनस जे कैप डॉट जे कैप, और ये हो गया प्लस के कैप डॉट के कैप। आई कैप डॉट आई कैप वन, माइनस है तो माइनस वन, प्लस है तो प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो योर आंसर विल बी वन, इज इट क्लियर। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज वन, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर,
दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो थीटा किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछा जा रहा 5/4। है। थीटा किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और क्रॉस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन थीटा इंटू वन, विच मीन्स इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू वन, दैट इज कॉट थीटा इक्वल टू वन, वन कॉट में किसकी वैल्यू होती है कॉट 5/4, तो थीटा इज इक्वल टू 5/4, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट कॉस और साइन में कॉमन वैल्यू क्या होती है, दैट इज कॉस 45, कॉस 45 में दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, पर आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से समझो, समझ में आ गए ठीक है, इसको मल्टीप्लाई वन के कॉट में ले गए, कॉट में वन किसकी वैल्यू होती है कॉट 5/4, योर आंसर इज ऑप्शन बी, योर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 5/4, दैट इज 5/2, इज इट क्लियर ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मिसलिनियस के हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अवर मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 27, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, i कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी। भाई पॉइंट्स के वैक्टर्स है तो कौन से वैक्टर्स है पहले मुझे बताओ, पोजीशन वेक्टर पोजिशन वैक्टर, तो कहने से दैट जो आपका ओ ए वैक्टर है इट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जो आपका ओ बी वैक्टर है इट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप, जो आपका OC वेक्टर है इट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और जो आपका OD वेक्टर है OD इट इज इक्वल टू आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप। यहां पर कोई डाउट, मतलब सारी चीजें क्लियर है आपको ठीक है, फिर क्या कहा गया आपको, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर, तो आपसे फर्स्ट चीज जो आपसे पूछी गई है फाइंड एंगल, कि आपको थीटा फाइंड करना है किस किस के बीच में, बिटवीन ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर, फिर आपको प्रूव करना है, डेड्यूस करना, प्रूव करना है पॉइंट टू, यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू वैक्टर्स आर कोलिनियर, ये जो वेक्टर्स हैं आपके ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये पोजिशन मैट्रिक्स की बना और ये चीजें आपको प्रूव करनी है ठीक है। नाउ दीज आर द पोजिशन वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए बी वेक्टर, कैसे फाइंड करते हैं पोजीशन वेक्टर, जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस जो इनिशियल पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर को उससे माइनस करते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो देखो 2i कैप माइनस आई कैप दैट इज आई कैप, 5j कैप माइनस जे कैप दैट इज 4j कैप, और यहां पर हो गया 0k कैप, तो 0k कैप माइनस के कैप दैट इज माइनस के कैप, ये क्लियर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करता हूँ, मैग्नीट्यूड भी अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, 1 स्क्वायर
प्लस फोर स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, तो वन प्लस वन प्लस सिक्सटीन प्लस वन, तो ये हो गया रूट एटीन। एटीन को कैसे लिखोगे, नाइन टू जाए एटीन, तो नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है, थ्री रूट टू। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अपने सारा फाइंड कर लिया, ठीक है। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी वैक्टर। अगेन पोजिशन वैक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ओडी वैक्टर, ओडी में से ओ सी माइनस करो, तो वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू आई कैन, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट जे कैन, माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री दैट इज प्लस टू के कैन। ये भी क्लियर हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करोगे तो माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, माइनस एट का स्क्वायर होगा सिक्सटी फोर, और टू का स्क्वायर फोर, सिक्सटी फोर प्लस फोर सिक्सटी एट, सिक्सटी एट प्लस फोर सेवेंटी टू, सेवेंटी टू मीन्स ट्वेल्व सिक्स का सेवेंटी टू दैट इज सिक्स इंटू टू इंटू सिक्स, तो सिक्स का पेयर बन गया तो सिक्स रूट टू। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल, और एंगल मैंने आपको पहले ही कहा है, बेस्ट वे क्या है कि कॉस थीटा फाइंड करना। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। वाई डूइंग दिस, देखो ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर, तो क्या होगा वन वन इंटू माइनस टू राइट, प्लस फोर इंटू माइनस एट, फोर इंटू माइनस एट प्लस माइनस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू टू, ये भी क्लियर हो गया। अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सी डी, तो वैक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका थ्री रूट टू, और वैक्टर सी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो है सिक्स रूट टू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी माइनस टू माइनस थर्टी टू माइनस टू दैट इज माइनस थर्टी सिक्स, रूट टू इंटू रूट टू दैट इज टू इंटू सिक्स इंटू थ्री, सिक्स थ्री जै एटीन, एटीन टू जै थर्टी सिक्स, वट वी विल हैव माइनस वन। अब माइनस वन कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कहने से दैट कॉस पाई, तो थीटा आपका आ गया पाई। अब आप खुद ही देखो ये एक वैक्टर हो गया, लेट दिस वैक्टर बी ए बी एंड लेट दिस वैक्टर बी सी। अब इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है पाई, पाई का मतलब स्ट्रेट लाइन, कहने से दैट दीज आर कोलिनियर वैक्टर, यस और नो। अगर दो वैक्टर्स के बीच में पाई एंगल बन रहा है इट मीन्स क्या है, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दे आर कोलिनियर वैक्टर। तो जो आपका सेकेंड पार्ट है ये भी प्रूफ हो गया, दैट मीन्स वैक्टर ए बी एंड वैक्टर सी डी आर कोलिनियर, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 28, दिस इज एग्जाम्पल 28, एन एग्जाम्पल इज लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू फोर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू फोर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू फाइव, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू फाइव, देन द क्वेश्चन इज ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। क्या कहा, जैसे कि वेक्टर ए है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी और सी के, तो वेक्टर बी जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके होगा, ए और सी के, तो वेक्टर सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी और ए के। ये समझ में आ रहा है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू, सम ऑफ द अदर टू का मतलब कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के,
और वेक्टर सी जो है ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यहाँ तो सारी बात क्लियर होगी। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले मुझे ये बताओ सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? ठीक है चलो, तो ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन एक तो ये। दूसरा क्या है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू वेक्टर, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ऐसे वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और वेक्टर सी जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कहने से इधर जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी वेक्टर बी डॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। हियर वेक्टर सी डॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगेन जैसे हम करते हैं, लेट इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। ये जो वैल्यू है इसको हमने मैग्नीट्यूड में है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर ले, लेट इट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। ये जो कंप्लीट वैल्यू है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। किसका मैग्नीट्यूड है? एक्स वेक्टर। अब आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो उसके डॉट प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, तो आप यही कहोगे ना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर, तो कैन आई राइट इट एज एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, राइट? अब एक्स वेक्टर क्या है आपका? योर एक्स वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। While solving this, vector a dot vector a, it is magnitude of vector a square. अब देखो, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 2 को multiply करना है 3 plus 4 plus 5 से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 3 plus 2 into within bracket 4 plus 5? बोलो, can I write it as like this? जब आप इसको इस तरह से लिखोगे What we will have? देखो, जब मैं इसको इस तरह, मैंने आपको जो बात बोली, मैंने क्या कहा 2 into let it be 3 plus 4 plus 5, मैंने कहा we can write it as 2 into 3 plus 2 into within bracket 4 plus 5, ये clear है? ठीक है, अब देखो 4 plus 3 7, 7 plus 5 12, 12 2 जा कितना हो गया 24, यहाँ भी देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 9, तो 9 टू जाए 18 प्लस 6 24। देखो सेम ही बात है ना, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया और आपको भी पता था ऐसा कर सकते हैं। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको तो आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। बाकी का ये जो दो पार्ट है इसको मैंने कैसे लिखा? वेक्टर ए, अब ध्यान से देखना इसको, वेक्टर ए डॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये मैंने अभी आपको वेरीफाई भी करवा दे, हम ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपका, प्लस वेक्टर बी डॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, मैं लिख सकता हूं ऐसे इसको, देन वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर एंड प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विद इन ब्रैकेट। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको कहा गया कि जो वेक्टर ए है डॉट बी दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने का मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये भी जो डॉट प्रोडक्ट है जीरो के इक्वल होना चाहिए, और ये भी जो डॉट प्रोडक्ट है ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक सारी बात क्लियर है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जो क्वेश्चन में वैल्यू है आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जो क्वेश्चन में वैल्यू है आपको जो गिवन है दैट इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज 5, दैट इज 5। तो देखो तो ये हो गया 3, तो 3 स्क्वायर
that is 9. A 4, so 4 square, that is 16. Magnitude of vector C a 5, so 5 square, that is 25. So 25 plus 16 plus 9, it is equal to 50. So can I say that magnitude of vector x square, magnitude of vector x ka jo square hai, ye 50 ke equal hai. So magnitude of x kya hoga? Square root of 50 plus minus to hoga nahi, magnitude of positive value dega. Ye ho gaya aapka 25 into 2, that is 5 root 2 unit. If it's clear, that thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. These are very very important examples. पहले भी CBSE board में बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैं ये examples आपके साथ discuss कर रहा हूँ. Clear हो गया ये example? ठीक है. That is 5 root 2 unit. Okay. अब example 29 मैंने आपको homework में दिया था, ठीक है. अब आपने किया ही नहीं किया मुझे नहीं पता.